फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग है। दे आर थर्मली स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास ये स्टेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास दे आर सॉलिड, दे आर वाइट इन कलर एंड दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास कलरलेस होते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब वाटर में कैसे ये टूटेंगे, टूटेंगे तो आयंस की फॉर्म में हमारे पास टूटेंगे ये, हमारे पास आयंस की फॉर्म में टूटेंगे तो लिथियम और। इसके अलावा हमारे पास दूसरी क्या है, जब हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली दो बेसिस बनाएगा। जब भी हाइड्राइड जो होंगी, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो होंगी वाटर से रिएक्ट करती है तो दो बेसिस बनाएंगी। एक बेस होगी ग्रुप नंबर 1A की और एक बेस होगी ग्रुप नंबर 3A, है ना भाई, और हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास जब भी वाटर से रिएक्ट करेंगे तो दो बेसिस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस। देन वी हैव दी मेटेलिक हाइड्राइड्स। दीज हाइड्राइड्स आर द हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B एंड 3B, सॉरी 2B। तो हमारे पास ग्रुप 1B एंड 2B के अलावा जितने होंगे ये मेटेलिक हाइड्राइड्स होंगे। मेटेलिक हाइड्राइड्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट दे आर स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस अमंग दी एटम्स। हाइड्रोजन गैस गैस एब्जॉर्ब इन द एम्प्टी स्पेसेस टू फॉर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स विच आर नोन एज दी मेटेलिक हाइड्राइड्स। हमारे पास हम एग्जाम में रीजन आता है कि क्यों हमारे पास जो होती है मेटेलिक हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टाइनल या इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। अच्छा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगी स्टोइकियोमेट्री। हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। सही है, मास 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 वॉल्यूम 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 की आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर आपको याद होगी स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई साइड प्रोडक्ट नहीं पड़ता और जो प्रोडक्ट बन रहा है वही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। क्या मतलब है, हमारे पास अगर हमारे पास ग्रुप नंबर 1A की है तो वो सोडियम हाइड्राइड, एक सोडियम और एक हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 2 की है तो एक हमारे पास कैल्शियम और दो हाइड्रोजन, ये मिलके हमारे पास एक फिक्स रेशियो में मिलती हैं। इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। क्या मतलब है, अगर मेरे पास आयरन है ना Fe, वो हमारे पास जो है, मैं उसकी अगर हाइड्राइड बना रहा हूँ तो हमारे पास ये एफ ई, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एफ ई एच 3 ही बने, ये एफ ई एच 3 ही नहीं बनेंगी सारी की सारी, ये एफ ई के साथ हमारे पास क्या एच 2 भी बननी होंगी। तो हमारे पास क्या होंगी, ये एफ ई के साथ एच 2 भी बननी होंगी, एच 4 भी बननी होंगी। तो हमें पता नहीं होगा, एक सेम रेशियो में रहेगी तो किसी भी कॉम्बिनेशन में क्या हो सकती है, ये बन सकती है, क्योंकि इनके पास एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बीच में जिसमें हमारे पास ये इंट्रैप हो जाती हैं। तो हमारे पास कोई एक फिक्स नहीं बनती, तो हम इनकी स्टोइकियोमेट्री नहीं कर सकते, इनकी इनकी केमिकल रिएक्शन से इनकी हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो दीज हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टेशियल क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि इनकी इंटरस्टेशियल स्पेसेस होती हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर के अंदर बीच में स्पेसेस होती हैं जहाँ पे हाइड्रोजन जो होती है वो फंस जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। हमारे पास हाइड्रोजन का सही रेशियो बन नहीं रहा होता, तो ये रीजन आता है एग्जाम में। वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हमारे पास अब है, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1B एंड 2B एंड इंडियम एंड थेलियम आर नोन एज दी बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स ऑफ डीएनपी ब्लॉक। हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हमने अभी पढ़ी थी मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स हमने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट 1B एंड 2B। 1B एंड 2B की अलावा सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मेटेलिक में थे। अब जो 1B और 2B के हैं वो बॉर्डर लाइन में है और इंडियम और थेलियम ये हमारे पास कहाँ होते हैं, पी ब्लॉक में। तो हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि ये क्या होते हैं, बॉर्डर बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि करीब मौजूद है। कौन सी बॉर्डर, डी और पी ब्लॉक का जो बॉर्डर होता है पीरियोडिक टेबल में
उसके करीब करीब होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो इनकी एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड और थेलियम हाइड्राइड, ये हमारे पास हाइड्राइड्स हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं, दीज हैव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन कोवलेंट एंड मेटेलिक हाइड्राइड्स। मतलब क्या है हमारे पास, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कोवलेंट और मेटेलिक के बीच ही होती हैं, क्योंकि हमारे पास पी ब्लॉक जो हैं वो नॉन मेटल हैं, अब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये मेटेलिक हाइड्राइड्स, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, ये मेटल्स हैं। सो दैट्स वाई इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन दोनों हाइड्राइड्स के बीच की होती हैं। Thank you for listening.